नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पीक पर। आइए जानते हैं आज की मुख्य खबर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए असम सरकार ने नहीं दी रात्रि विश्राम की इजाज़त, कांग्रेस ने लगाए आरोप। कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि असम की सरकार ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को दो जिलों में रात्रि विश्राम की इजाज़त नहीं दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असम में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने बताया कि अब पार्टी यात्रा के दौरान रात्रि विश्राम के लिए वैकल्पिक जगह की व्यवस्था कर रही है। इसके लिए निजी प्रॉपर्टी में रात्रि विश्राम की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है, जहां राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य नेता रात्रि में विश्राम कर सकेंगे। सैकिया ने कहा कि हमने धेमाजी जिले में गोगा मुख में स्कूल के मैदान पर रात्रि विश्राम के लिए अपने कंटेनर वाहनों को पार्क करने की इजाज़त मांगी थी। शुरुआत में इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन अंतिम समय में इस मंजूरी को वापस ले लिया गया। इसी तरह जोरहाट में एक कॉलेज के खेल मैदान पर रात्रि विश्राम की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने वहां भी इजाज़त नहीं दी। भाजपा हमारे मार्च करने लोकतांत्रिक अधिकार का हनन कर रही है, जबकि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं है। अब हम लोगों और प्राइवेट फर्मों से मदद मांग रहे हैं, ताकि हम रात्रि विश्राम के लिए उनकी जगह का इस्तेमाल कर सकें। आगे की खबरें जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ स्पीक पर। धन्यवाद।